हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम आज शुरू करेंगे ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के PYQs। हम पहले भी कर रहे थे PYQs, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का PYQ करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने रिफ्लेक्शन का PYQ ऑलरेडी कर लिया है। अगर नहीं देखे हो तो एक प्लेलिस्ट है PYQs के, ICSE PYQs के, उसमें अभी तक मैंने जितने चैप्टर्स के PYQs करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे उसमें हैं। रिफ्लेक्शन का हो चुका है, आज हम करते हैं डिस्टेंस एंड सेक्शन वाला, मतलब सेक्शन फार्मूला वाला पार्ट करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन एक्सरसाइजेज है, तीन चैप्टर्स हैं, तो अलग अलग करके समझाया हुआ तुम लोगों को इजी रहेगा। तो हम लोग रिफ्लेक्शन कर चुके हैं, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला के सम्स करते हैं। तो अपना पहला सम है, लिखा है, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली -4, -2, 6.2 एंड 4.6। द सेंट्रॉइड G ऑफ ट्राइंगल ABC इज, और चार ऑप्शन दिए हैं, हमको पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे सेंट्रॉइड क्या है। तीनों वर्टिसेस हमारे पास हैं, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। अब हम वैल्यू डालते हैं, तो -4 + 6 + 4 / 3, -2 + 2 + 6 / 3, -4 + 4 कट गया, 6/3, 6/3 2 होता है, यहाँ भी -2 + 2 कट गया, 6/3 भी 2 होता है, यानी 2.2 करेक्ट ऑप्शन है, 2.2 ए है, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम आया था 2022 के सेमेस्टर 2 एग्जाम में। लिखा है फाइंड अ पॉइंट पी विच डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -3.9 एंड B (1, -3) इन द रेशियो 1:3। तो हमारे पास में A और B दो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, पर ये बता रहा है कि P जो है वो AB को किस रेशियो में बांट रहा है, 1:3 के रेशियो में, मतलब AP:PB 1:3 है। तो हम सेक्शन फार्मूला वाला फार्मूला यूज़ करें पी के लिए, तो पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के लिए क्या होगा, पी इज इक्वल टू एक्स के लिए होगा (mx2 + nx1)/(m+n) और वाई के लिए (my2 + ny1)/(m+n) राइट। mx2 मतलब 1 × 1 + 3 × -3/(1+3) और my2 मतलब 1 × -3 + 3 × 9/(1+3). 1 × 1 और -9/4, ये हो गया -3 + 9 = 27/4, यानी -8/4 और ये हो रहा है 24/4। 4 × 8 यानी ये -2 और ये 4 × 6 = 24, तो 6। तो -2, 6 जो है वो पी का कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रिकमेंड करना चाहूँगी, ये है ओसवाल गुरुकुल का ICSE क्लास 10 के लिए मोस्ट लाइकली ICSE क्वेश्चन बैंक। ये पर्टिकुलर बुक जो मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ, ये है फॉर बायोलॉजी, जो 2024 का बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बुक है। इस बुक में देखो, सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। फिर अगर हम कोई एक चैप्टर को देखें, फॉर एग्जांपल देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न में क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं विथ आंसर्स, देन डायग्राम बेस्ड भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऑड वन आउट है, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, स्टेट द लोकेशन, स्टेट द फंक्शन, ये सारे बहुत ही डिफरेंस बिटवीन, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। ये सारे देखो डायग्राम बेस्ड कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। उसके बाद में हर एक चैप्टर्स का ऐसे ही है, फिर लास्ट में एक जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2022 का पेपर जो है वो सॉल्व किया हुआ है बोर्ड का एग्ज़ाम का। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग भी ये बुक खरीदो। इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। नेक्स्ट सम आया था 2022 के सेमेस्टर 2 में, ये दिया हुआ है (a)(1, 4)/(b)(4, 1) एंड (c)(x, 4) आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC।
इफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल इज जी 4.3 देन एक्स इज इक्वल टू, और हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये भी सेंट्रॉयड वाला फॉर्मूला से हम करेंगे। तो सेंट्रॉयड जी की वैल्यू क्या होती है, जब एक्स हम निकालते हैं तो देखो एक्स ही हम निकालेंगे, यहाँ वाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे बिकॉज एक्स वाला पार्ट हमारा मिसिंग है। तो सेंट्रॉयड जी में एक्स होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री। यहाँ पे x वो x नहीं है, x का मतलब ये x है सेंट्रॉइड का x मतलब 4। तो 4 इज इक्वल टू एक्स वन है 1, एक्स टू है 4 और एक्स थ्री है x, ठीक है, अपॉन 3। देखो बहुत बन कन्फ्यूज हो जाते हैं, x की जगह मतलब यही वैल्यू निकालनी है सोच लेते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। 4 + 1 = 5, 5 + x = 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 + x = 12, तो x की वैल्यू 12 - 5 = 7 आई। x की वैल्यू 7 आ रही है, ये है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके नाउ अब जो समय है वो आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग पी 5.3 एंड क्यू 5.3 डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। पहला पार्ट पूछ रहा है वाई एक्सिस इनको किस रेशियो में बांट रहा है, रेशियो। एंड नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वाई एक्सिस पी क्यू को काट रहा है ना, देखो वाई एक्सिस का एक पॉइंट हमको पता होता है, वाई एक्सिस में एक्स हमेशा जीरो रहता है। तो हम बोल देते हैं लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड पी क्यू बी, कुछ और नाम ले लेते हैं, मान लो m है और वो क्या है उसका x तो ज़ीरो है और y कुछ है, चलो मान लो y है, ठीक है, 0, y, ये हमको पता करना है y क्या है। और एंड y एक्सिस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो k:1 के रेशियो में बांट रहा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। m:n का रेशियो भी बोल सकते हो, k:1 भी मान सकते हो। अब हम रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमको क्योंकि रेशियो पता करना है और पी क्यू और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन सब का हमको x पार्ट पता है, ठीक है ना, y पार्ट नहीं पता, तो हम y पार्ट को नहीं लेंगे, x पार्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो x इज इक्वल टू mx2 + nx1 / m + n। अब इसका जो जो मालूम है सब लिख दो, तो x की जगह 0, m मतलब k है, n मतलब 1 है, तो k मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू मतलब ये -5 प्लस n मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 m प्लस n मतलब k प्लस 1, ठीक है। तो अब सॉल्व करें, -5k + 5 = k + 1 × 0 = 0, -5k = -5, माइनस माइनस कैंसिल, k = 1 आया। अच्छा k 1 आ गया, इसका मतलब रेशियो क्या है, रेशियो है 1:1, 1:1 है मतलब कि m जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। अभी 1:1 एक तो पता चल गया हमको रेशियो, अब ये m का कोऑर्डिनेट्स मतलब ये वाला पार्ट पता करना है। तो हम y को इसकी जगह, हमको पता है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, 1:1 का रेशियो है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, y = y1 + y2/2 मतलब कि 3 + 3/2 6/2 यानी कि 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी m क्या हो गया, 0.3। तो दो आंसर आ गए हमारा, पहला रेशियो 1:1, दूसरा m जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0.3। ओके अपना नेक्स्ट सम आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है m एंड n आर टू पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, p 3.2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट mn इन द रेशियो 2:3। हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, नंबर वन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड n, ठीक है, और नंबर टू है स्लोप ऑफ द लाइन mn। देखो स्लोप और इक्वेशन, ये एक्चुअली तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है सम, लेकिन हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सेक्शन के साथ में बहुत बार इक्वेशन एडेड रहता है। मैंने चूज़ किए वो सम जिसमें इक्वेशन प्रॉपरली नहीं पूछ रहा है, स्लोप जहाँ तक पूछे वो सम हम लोग अभी कर लेंगे, लेकिन इक्वेशन से रिलेटेड जो भी सम्स हैं वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे उसमें करेंगे। तो तुम यहाँ देखोगे बहुत से सेक्शन फॉर्मूला के सम्स हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लोप ऑफ द लाइन वाला पार्ट भी आ गया है, क्योंकि वो साथ में ही रहते हैं सारे सम्स, ठीक है। तो ये आया था क्वेश्चन,
अब देखो m और n, m है x एक्सिस पे और n है y एक्सिस पे, तो क्योंकि m x एक्सिस में है तो उसका y तो ज़ीरो है, x मान लो कुछ भी है x, n क्योंकि y एक्सिस में है तो इसका x ज़ीरो है, y कुछ होगा उसको मान लेते हैं y, और ये पॉइंट p जो है वो इनको इस रेशियो 2:3 में बांट रहा है। तो हमको पता है p के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन होता है, ठीक है। यहाँ x p का क्या है, थ्री, रिमेंबर ये x थ्री वाला है वो x नहीं। अब एम एक्स टू मतलब टू कॉमा एक्स टू, ये वाला टू है ये वन है ना, तो टू को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस n मतलब थ्री को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन एम प्लस एन मतलब टू प्लस थ्री फाइव, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, मतलब इसका y p का क्या है, टू, एम वाई टू मतलब टू कॉमा वाई प्लस एन मतलब थ्री, थ्री कॉमा ज़ीरो, थ्री इंटू ज़ीरो सॉरी एम प्लस एन दैट इज़ टू प्लस थ्री। अब अलग अलग सॉल्व करें, थ्री प्लस टू फाइव होता है, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, ठीक है ये हम इस साइड कर देंगे। टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन आया, एक्स की वैल्यू तो आ गई फाइव। वाई वाले पार्ट में करते हैं, टू वाई प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव इंटू टू, यानी कि टू वाई इज इक्वल टू टेन, तो वाई का वैल्यू टेन बाई टू दैट इज़ फाइव आ गया। इसका मतलब एम का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या, एक्स कॉमा ज़ीरो था मतलब फाइव कॉमा ज़ीरो, और एन का कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो कॉमा वाई था मतलब ज़ीरो कॉमा फाइव है। तो ये हमारा पहला पार्ट तो आ गया, दैट इज़ एम और एन के कोऑर्डिनेट्स पता करो। अब बोल रहे हैं एम एन का स्लोप पता करो, तो हम स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सीखा था। स्लोप ऑफ एम एन क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। y2 टू माइनस वाई वन मतलब y माइनस ज़ीरो, अच्छा तो पता चल गया अभी तो y क्या है, तो हम y क्यों लिखे, y तो फाइव है, ये रहा m और n, ठीक है। तो फाइव माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो माइनस फाइव, यानी कि फाइव अपॉन माइनस फाइव, यानी कि माइनस वन इज़ द स्लोप। तो स्लोप भी पता चल गया और m और n कोऑर्डिनेट्स भी मालूम चल गए बहुत ही ईजीली। ओके नेक्स्ट सम आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है पी वन कॉमा माइनस टू इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ए दिया है थ्री कॉमा माइनस सिक्स, बी दिया है एक्स वाई, सच दैट ए पी इज़ टू पी वी इज़ इक्वल टू टू इज़ टू थ्री, उनका रेशियो भी दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी ये एक्स और वाई हमको पता लगाना है। तो क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें दी हुई है तो हम सिंपली सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में पी के लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के लिए एक्स का फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई का है वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सिंपली जो जो वैल्यूज दी हुई है डालते रहो, ये एक्स मतलब पी का है पॉइंट, ये एक्स, ये वन पता है वन लिख दो, वन इज इक्वल टू एम मतलब टू, एन मतलब थ्री, तो टू इंटू यहाँ एक्स टू यानी टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस थ्री इंटू यहाँ का थ्री इंटू थ्री यानी कि नाइन हम बाद में कर लेंगे, एम प्लस एन दैट इज़ टू प्लस थ्री, तो टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव, फाइव इंटू वन, तो टू एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस नाइन, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू, ठीक है माइनस टू आ गई। अब वाई की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू सारी पहले डाले जो जो हमको मालूम है, ये माइनस टू है, टू मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस सिक्स, ये हो गया नीचे टू प्लस थ्री, तो टू वाई प्लस माइनस एटीन इज इक्वल टू टू प्लस थ्री फाइव इंटू माइनस टू, मतलब टू वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू माइनस टेन, तो टू वाई इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस एटीन, टू वाई इज इक्वल टू एट, वाई इज इक्वल टू फोर। तो एक्स और वाई दोनों वैल्यू आ गई, यानी बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस टू कॉमा फोर है, यही क्वेश्चन था आ गया। ओके करते हैं अपना नेक्स्ट सम, ये आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग पी सिक्स कॉमा के
एंड क्यू 1 - 3k, 3 इज 1/2. फाइन नंबर 1 के एंड नंबर 2 मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू यूजिंग द वैल्यू ऑफ के फाउंड इन नंबर 1. ओके, तो सबसे पहले हमको ये के का वैल्यू पता करना है. तो हमको मालूम है ये स्लोप है m हाफ. स्लोप का फॉर्मूला ये होता है ना, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1. तो हम सारे कोऑर्डिनेट्स डालते हैं. m स्लोप भी हमको पता है हाफ है, इज इक्वल टू y2 दैट इज 3 माइनस के अपॉन x2 दैट इज 1 - 3k - 6. तो 1/2 इज इक्वल टू 3 - k - 3k - 5. नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया -3k - 5 इज इक्वल टू 6 - 2k - 3k + 2k इज इक्वल टू 6 + 5 = 11. तो -k इज इक्वल टू 11 है, यानी कि k इज इक्वल टू -11 आ गया. ये पहला पार्ट, k की वैल्यू आ गई. k की वैल्यू आ गई तो p और q की भी वैल्यू आ जाएगी. p क्या होगा, 6, k मतलब 6, -11, और q क्या है, 1 - 3k मतलब 1 - 3 × -11 और कॉमा 3 है, यानी कि क्या है 1 + 11, 3 = 33, यानी कि 34 और 3, ये है q. ठीक है, अब हमको मिड पॉइंट चाहिए. किसका, PQ का. ये नंबर 2 है, नंबर 2 बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ PQ निकालो. मिड पॉइंट ऑफ PQ का फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y का है y1 + y2/2. x1 + x2/2 मतलब कि 6 + 34/2 40/2 यानी कि 20 आ गया. अच्छा, और y का है y1 + y2 मतलब कि -11 + 3/2 यानी कि -8/2 यानी कि -4. तो 20, -4 ये हमारा मिड पॉइंट आ गया. तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए. चलो करते हैं अपना नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में. लिखा है कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग ए -4, 2 एंड बी 3, 6 इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट पी x, 3. पहला क्वेश्चन, तीन इसके क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, पहला पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो, दूसरा पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड x, और फिर बोल रहा है लेंथ ऑफ ए बी निकालो. एक एक करके हम निकालते हैं. सबसे पहले रेशियो पूछ रहा है तो लिख देते हैं लेट द रेशियो बी k = 1. देयरफॉर k = 1 है, और देखो हमको यहाँ एक्स वाला कोऑर्डिनेट का नहीं निकालना है क्योंकि ये एक्स नहीं पता, लेकिन वाई वाला सारा पार्ट पता है ना, तो हम वाई वाला पार्ट से निकालते हैं. वाई का फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू my2 + ny1 / m+n. तो वाई यानी कि 3, तो 3 इज इक्वल टू m है k और n है 1, तो k × 6 + 1 × 2/k + 1 यानी कि 3 = 6k + 2/k + 1. 6k + 2 = 3k + 3, 3k = 1, k = 1/3. देयरफॉर k = 1 क्या हो गया, 1/3 = 1, यानी कि रेशियो क्या हुआ, 1:3. ये तो हमारा रेशियो आ गया. ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि एक्स निकालो. तो देयरफॉर अब हम वापस ये फॉर्मूला करते हैं एक्स का. एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 + nx1/m+n. इस बार m = n हमको मालूम है क्या है, वो रेशियो 1:3 है. तो एक्स मतलब कि ये एक्स, ये हमको पता करना है. mx2 मतलब कि 1 × 3 + 3 × -4 और नीचे 1 + 3 यानी कि 3 - 12/4 - 9/4 ये हमारा x हो गया. तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो p है वो है -9/4, 3. अच्छा, अभी नेक्स्ट बोल रहा है लेंथ निकालना है. किसका निकालना है, लेंथ ऑफ ap. तो ap का लेंथ का या डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोगों ने क्लास 9 में किया है, वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर.
का रूट। तो यहाँ पे ए और पी, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब कि माइनस 9/4 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये पार्ट आएगा इसलिए मैंने यहाँ मिटा दिया, अभी इस पार्ट में यहाँ कर लेंगे बाकी का पार्ट। ये माइनस, अच्छा ये एलसीएम ले लेते हैं, 4 माइनस 9 प्लस 4 4 जा 16 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हुआ, यानी कि रूट के अंदर में 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो 7/4 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आगे का पार्ट इधर करते हैं, तो रूट के अंदर है 7 7 जा 49, 4 4 जा 16 प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 16 65/16। देखो 4 तो निकल रहा है, 16 का रूट 4 होता है, लेकिन रूट 65 ऐसे ही रहेगा, 13 × 5 होता है। तो इतना यूनिट्स विल बी द आंसर कि ये लेंथ ऑफ ए पी है, ऐसा आएगा। तो ये हमारे पास तीन हमारे आंसर्स आ गए। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी, सी का वैल्यू दिया -2.5। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3.-7, फाइंड आउट नंबर वन है लेंथ ऑफ द रेडियस ए सी और नंबर टू है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो लेंथ वाले जो जो सम्स थे पहले क्या था, जैसे 2013-14 के टाइम में, उस टाइम में डिस्टेंस वाला चैप्टर भी क्लास 10 में रहता था, इसलिए डिस्टेंस के काफ़ी सारे सम तुम देखोगे 2015 और उसके बैक जो भी बोर्ड हैं उसमें आए हुए हैं, लेकिन अभी डिस्टेंस के सम नहीं देता। हालांकि अभी भी तुम लोग अपने चैप्टर उठाओगे तो कोई एक दो सवाल में डिस्टेंस का रहेगा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लास 9 में तुम लोगों ने सीखा है, तो एक फॉर्मूला है याद कर लो, अगर डिस्टेंस का बाई चांस आ जाता है तो छोड़ोगे नहीं वो सम, 9 में तो किया वही है, एक फॉर्मूला है लर्न कर लो और वो सम्स करो, उनको छोड़ना मत कि ये क्लास 9 का है तो हम नहीं करेंगे, कर लिया करो। तो यहाँ पे दिया हुआ है, उससे हमको दो चीज़ें निकालनी है, ए सी निकालना है, लेंथ निकालना है। तो ए सी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो मैंने बोला याद रखो, ये है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का रूट। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर मतलब 3 -2 मतलब 3+2 का होल स्क्वायर प्लस -7 -5 का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर यानी कि 25 + 144 इसका रूट, 169 का रूट, 169 का रूट 13 होता है, यानी कि ए सी की डिस्टेंस आ गई 13 यूनिट्स। और नंबर टू पूछ रहा है बी निकालो, तो क्योंकि ए बी एक डायमीटर है और सी सेंटर है तो लिखेंगे सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, और लेट बी को मान लेते हैं, चलो x1 x y1 मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू x1 + x2/2 और y इज़ इक्वल टू y1 + y2/2। तो c क्योंकि मिड पॉइंट है तो c का x मतलब -2 इज़ इक्वल टू x1 + 3/2 यानी कि x1 + 3 इज़ इक्वल टू -4। तो हमारा एक्स वन का वैल्यू आ गया, एक्स वन इजिकल टू -7, ठीक है, ये पहला। अब वाई इधर से निकाल लेते हैं, वाई मतलब सी का क्या है, वाई 5 है, 5 इजिकल टू y1 + y2 है ये -7 यानी कि -7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y1 - 7 इजिकल टू 10, तो हमारा y1 की वैल्यू आ गई 17। तो यानी कि b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -7 और 17, ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में, देखो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन द फिगर गिवन बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, द पॉइंट पी -3.4 इसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स बी का, ऑन ए बी डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:3 मतलब ए पी 2 है और पी बी 3:2 का रेशियो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो ए जो है वो एक्स एक्सिस में है यानी इसका वाई ज़ीरो है, और बी जो है वो वाई एक्सिस में है यानी उसका एक्स ज़ीरो है। तो हम लिख देते हैं कि लेट द पॉइंट्स ए बी, ए हो गया क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है तो इसका वाई ज़ीरो है,
तो मान लो ये एक्स कॉमा जीरो है, एंड बी क्या है, बी भी क्योंकि ये वाई एक्सिस में है तो इसका एक्स जीरो है, तो जीरो कॉमा वाई, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स का हमको ये भी पता है क्या रेशियो है, तो हम रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमको पता है कि एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। यहाँ एक्स मतलब पी का जो कोऑर्डिनेट, माइनस थ्री, माइनस थ्री इज इक्वल टू एम टू इंटू बी मतलब टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री इंटू एक्स अपॉन एम प्लस एन मतलब टू प्लस थ्री, यानी माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस थ्री एक्स अपॉन फाइव, थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव आ गया। अच्छा वाई का क्या है, वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। वाई का मतलब पी का है ये जो वाई वाला, फोर इज इक्वल टू एम मतलब टू, टू इंटू बी का वाई टू वाई प्लस एन मतलब थ्री, थ्री इंटू ए का वाई यानी ज़ीरो अपॉन एम प्लस एन, यानी फोर इज इक्वल टू टू वाई अपॉन फाइव, तो टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी और वाई इज इक्वल टू टेन आ गया। तो हमको क्वेश्चन में पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी निकालो, तो यानी कि ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कॉमा ज़ीरो यानी माइनस फाइव कॉमा ज़ीरो है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो कॉमा टेन है, ये दो वैल्यू आ गए, ठीक है। ओके करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग द पॉइंट्स ए माइनस फोर कॉमा सिक्स एंड बी एट कॉमा माइनस थ्री। फाइन, तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला, द रेशियो इन विच ए बी इज़ डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब जिसका एक्स ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा रेशियो निकालेंगे। फिर नंबर टू बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। और नंबर थ्री दिया है लेंथ ऑफ ए बी। अगेन देखो ये पहले वाले बोर्ड एग्जाम के सम्स हैं, इसमें हर बार बोर्ड एग्जाम में लेंथ पूछ लेता था, ठीक है, डिस्टेंस पूछ लेता था। तो पहले रेशियो निकालना है, ए बी इज़ डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, तो हम लिखेंगे कि लेट वाई एक्सिस डिवाइड्स ए बी एट द पॉइंट कुछ भी मान लो एम, और ये वाई एक्सिस का कोई पॉइंट है तो इसका एक्स तो ज़ीरो है, मान लो ये ज़ीरो कमा वाई पे, इन द रेशियो, रेशियो भी साथ साथ मान लेते हैं, इन द रेशियो के इज़ टू वन में, ठीक है। अभी ये रेशियो ही पता करना है, तो हम एक्स वाला कोऑर्डिनेट पता करें या वाई वाला, एक्स वाला पता करेंगे क्योंकि एक्स का हमको तीनों पार्ट पता है, वाई का ही एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाला है एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो एक्स तो देखो ज़ीरो है, ज़ीरो इज इक्वल टू एम है के, के को मल्टीप्लाई करना है हमको एक्स टू से मतलब एट से, के इंटू एट, प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है माइनस फोर से अपॉन के प्लस वन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एट के माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, के प्लस वन ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, तो एट के इज इक्वल टू फोर, तो के इज इक्वल टू फोर अपॉन एट इज वन बाई टू, तो देयरफॉर के इज टू वन क्या हुआ, वन बाई टू इज टू वन, यानी कि रेशियो क्या हुआ, रेशियो हुआ वन इज टू टू। रेशियो तो पता चला वन इज टू टू, तो हमको पहली चीज़ तो पता चल गई। चलो सेकेंड चीज़ बोल रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़ीरो कमा वाई मतलब वाई निकालो, तो वाई के लिए ज़ीरो तो पता ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई निकालते हैं। तो नंबर टू में हम बोलेंगे कि ओके वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। इसका वाई मतलब कि जो वाई एक्सिस का वाई है, वाई इज इक्वल टू एम, अब के इज़ टू वन हमको पता है वन इज़ टू टू है, तो वन इंटू माइनस थ्री प्लस ये टू है तो टू इंटू सिक्स ट्वेल्व अपॉन के प्लस वन मतलब वन प्लस टू, तो y इंटू थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व, थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, वाई इज इक्वल टू थ्री हो गया। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़ीरो कॉमा थ्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री जो पार्ट थ्री है वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ ए बी, तो फॉर्मूला डिस्टेंस का निकालें, लिख देते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर रूट के अंदर।
ए बी ये दोनों, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर मतलब 8 -4 यानी 8 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर का रूट यानी 12 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर का रूट यानी 144 प्लस 81 का रूट यानी कि 225 का रूट यानी कि 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी 15 यूनिट्स, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ओके, ये जो सम है ये आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल एंड जी 4,3 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। इफ ए इज इक्वल टू 1,3, बी इज इक्वल टू 4,b एंड सी इज इक्वल टू 1, फाइंड ए एंड बी जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है। एंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड बी सी। ठीक है, ऐसे आई डोंट थिंक अब लेंथ पूछा जाएगा क्योंकि हर एक सवाल में हम देख रहे हैं 2015 वाले के पीछे वाले में सब ने लेंथ जरूर पूछ रहा है, लेकिन अब डिस्टेंस फॉर्मूला इज नॉट इन क्लास 10। तो ए बी सी, अब देखो सेंट्रॉयड, तो हम सेंट्रॉयड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन फोर, एक्स क्या 4, 1 + 4 + a अपॉन 2 यानी कि 1 + 4 5, 5 प्लस a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 - 5 7। देखो a की वैल्यू तो आ गई। दूसरा y होता है तो y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3 अपॉन c + b + 1 अपॉन 2, c + 1 4 यानी 4 + b इक्वल टू 3 - 9, तो b की वैल्यू आ गई 5। देखो a की वैल्यू 7 आ चुकी, b की वैल्यू 5 आ गई, ये दो तो आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है लेंथ ऑफ द साइड bc निकालो, तो bc लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट बी सी ये दोनों। तो x2 - x1 मतलब a माइनस, ए तो आ चुका, a क्या है, a 7, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - b, b कितना है 5, 1 - 5 का होल स्क्वायर ये रूट के अंदर यानी 3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर रूट में 3 या 9 + 16 रूट में यानी रूट 25 5 होता है तो 5 +5 - 5 दोनों होता है, बट डिस्टेंस से नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम सिर्फ 5। तो इस सम के साथ ख़त्म होते हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला के वो सारे सम्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक आए हुए हैं, यानी 2011 से लेकर 2023 तक सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो सम्स आए हुए हैं वो सारे सम्स को हमने सॉल्यूशन यहाँ पे किया। ठीक है, अब बचता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो सम्स जो आए हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो मैं जल्दी उस वीडियो को भी लेकर के आऊँगी। सेक्शन फॉर्मूला हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, अब एक ही चीज़ बचा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे PYQs हमारे हो जाएंगे। तो वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।